अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे माफ कर दो। लगता है दादी ने सुना नहीं। बैठो। बेटा मैंने सुन लिया, आपने दादी से माफी मांग ली, उतना ही बहुत है। गलती करने के बाद माफी मांगना जरूरी है। बिना ये सोचे सामने वाला माफ करेगा या नहीं। सॉरी बोलता है। अच्छा शब्द छोड़ गए अंग्रेज, सॉरी। गलती करो और ऊपर से सॉरी बोल दो। अरे सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाती है क्या? उसके दादा ने आज तक मेरे सामने मुंह नहीं खोला, उसके बाप ने आज तक मेरे सामने मुंह नहीं खोला, और ये पित्ते भर का लड़का मेरे सामने जबान चलाता है। मम्मी आप अपने आप में ऐसे क्यों खुल रही है? अरे आप पापा को बताती क्यों नहीं उसकी बदतमीजी? अरे कोई फायदा नहीं होगा, बिन माँ का बच्चा है, क्या सब उसी की तरफदारी करेंगे? हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो बस अपने आप में घुल कर उसे ऐसे ही माफ कर देंगी आप? नहीं, मैं इस समस्या की जड़ को ही खत्म कर दूंगी। मम्मी जी आंचल से हम बाद में निपटेंगे, अरे पहले इस आयुष को ठीक करना जरूरी है। अगर आप उसे कुछ नहीं कहेंगी ना तो मैं उसे ठीक करूंगी। कल आप सिद्धार्थ भैया को ऑफिस जाने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार? मैं ठीक कह रहा हूँ दी, मुझे पक्का यकीन है कि वो जानबूझकर लक्ष्मी निवास के बाहर खड़ा था। और देखना कल भी वो आपको अपने घर के बाहर ही कहीं मिल जाएगा, और फिर लक्ष्मी निवास तक लिफ्ट ऑफर करेगा। सुधीर देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह मुझे लिफ्ट देने के लिए सड़कों पर खड़े रहते हो। सुदीप यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ रिस्पेक्टेबल गाय। हेलो, एक मिनट मैम, आपको ये गलत फहमी कैसे हो गई कि मैं यहाँ आपको लिफ्ट देने के लिए खड़ा हूँ?
तो मेरा एक दोस्त आ रहा है, बस उसी का वेट कर रहा था। उसको मुझसे कुछ काम है क्लिनिक में। उसी का फोन है, एक सेकंड। हेलो सर, आज मिस्टर शेट्टी की टेस्ट शेड्यूल करनी है या नहीं? उफ, अरे यार तुम भी ना मिनट मिनट में शेड्यूल चेंज करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है चलो, मैं तुम्हें क्लिनिक में मिलता हूँ। चलो। शेड्यूल चेंज? अब इसका प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं इसे डायरेक्टली हॉस्पिटल में मिल रहा हूँ। चलो आंचल मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, वरना मैं तुम्हें लिफ्ट जरूर देता। ये मन्नू भी ना एम्बैरेस करके रख दिया मुझे सुदीप के साथ, उसकी तो। अब बच्चों का पक्ष लेने वाले तो सब चले गए, अब मैं सिखाऊंगी आयुष को सबक। मेरी सासू जी के सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई उसकी, अभी देखते हैं उसे। सचिन पार्क में झूलने का बहुत मजा आया ना? हाँ हाँ दीदी बहुत मजा आया। मेरा तो दिल करता था कि हम पार्क से आए ही ना, पापा टीचर और हम बस पार्क में ही रहे और उधर झूला झूलते रहे। पार्क में आंचल के साथ सिद्धार्थ भैया भी थे। पार्क में आंचल के साथ सिद्धार्थ भैया कैसे और क्यों पहुंच गए पता लगाना चाहिए बच्चों से। सचिन ये मेरा 3 आया, 1, 2, 3 ये लो अब आपकी लंच, खेलो खेलो कम ऑन। जूही बेटा आपने लंच किया? किया। और मेरे इस नटखट से सचिन ने? हाँ। देखो आपको जो भी खाना हो ना चुपके से चाची को बता दिया करो, चाची तुरंत बना देगी। कल चाची लंच में कड़ी बनाने वाली है, पकौड़ी वाली, जूही को पसंद है ना? अच्छा सचिन बेटा पार्क में तुम झूला लेने कब गए थे? हॉस्पिटल गया था ना जब। टीचर भी साथ में थी? हाँ और वहाँ पापा भी आ गए थे। अच्छा बेटा तुम लोग खेलो, शाबाश। चाची चाची आप कल पकौड़े की कड़ी बनाओगी ना? हाँ बनाऊंगी। चलो चलो सचिन खेलते। इसका मतलब है सिद्धार्थ भैया आंचल से घर के बाहर भी मिलते हैं, घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है। अब समझ में आया वो
सचिन को चेकअप के लिए ले जाने में इतनी उतावली क्यों हो रही थी? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।